दिल्ली सरकार का बजट पेश हुआ है। युवाओं का खासा इसमें ध्यान भी रखा गया है। बजट को दिल्ली रोजगार बजट नाम दिया गया। 20 लाख लोगों को नौकरी देने का रखा लक्ष्य। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाएगी सरकार। वहीं पेश हुई बजट में दिल्ली में बिजली बजट और साथ ही साथ रोजगार बजट की भी खास तौर पर बात की गई है। सरकार ने जॉब क्रिएट करने के लिए प्रमुखता से निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना है। हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये लक्ष्य कठिन है, लेकिन केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। दिल्ली का रोजगार बजट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। ये बजट 75,800 करोड़ रुपए का है। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया। इस बजट के लिए 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 का बजट पेश किया है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बार के बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। सिसोदिया ने बताया कि युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में राज्यों के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी। इस बार सभी विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिए गए हैं। बजट पढ़ते हुए सिसोदिया ने कहा, ये हमारी सरकार का 8वां बजट है। हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। दिल्ली के 75% घरों में बिजली का बिल जीरो आता है। हमने गली गली में सीसीटीवी लगाकर अपराध रोकने में मदद की है। इतना ही नहीं, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाएं डेवलप की, डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की। अब लोग सरकारी दफ्तर के नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी लोगों के चक्कर काटते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड की परिस्थितियों को इसलिए संभाल लिया गया क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने निवेश किया था। कोविड में लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कोविड महामारी से निपटने के लिए अब रोजगार को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस बार रोजगार बजट पेश कर रहा हूं। 2047 तक दिल्ली वालों की आय सिंगापुर के उस वक्त के लोगों की आय के 3 गुना करने का निश्चय किया गया है। अगले 5 सालों में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की वर्किंग पॉपुलेशन का वर्तमान में, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 33% है वर्तमान में, इससे बढ़ा के अगले 5 साल में हमारा टारगेट है कि ये 45% तक चली जाए। हम कोई ड्रीम नहीं रख रहे कि अचानक ये 67% हो जाएगी, 68% हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। तो मैं जो योजना इस बजट में लेके आया हूँ, उससे हमारी पूरी योजना यह है कि अगले 5 साल में ये वर्किंग पॉपुलेशन 33% से बढ़ के 47% हो जाए, 45% हो जाए। यानी दिल्ली के कुल जो 1,68,00,000 लोग की आबादी है और इसमें से अभी 56 लाख लोग करीब अभी रोजगार करते हैं, हमारा मकसद है कि ये 56 लाख लोग जो रोजगार करते हैं उनकी संख्या 76 लाख हो जाए। इसलिए हमने 5 साल में 20 लाख नए जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार रोजगार की संख्या 56 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने पर काम करेगी। भारत की युवा आबादी हमारी ताकत है, इस आबादी को रोजगार देना होगा। वो खर्च करेगा तो बाजार में मांग और ताकत बढ़ेगी। रोजगार विकास जमानता की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लोग न्यू पुअर की श्रेणी में आ गए हैं। पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। साल 2013 से पहले 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई थी। हम रोजगार ढूंढने और देने वालों के रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल पेश करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो दिल्ली सरकार ने अपना रोजगार बजट पेश कर दिया है। आम जनता के लिए सुविधा और नौकरियों की मारामारी, जिसकी बात इस वक्त पूरे देश में चल रही है। और हर सरकार यही दावे कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार वो जनता को, युवाओं को देगी, और इसी दौर से बांधने की कोशिश जनता को की जा रही थी। वहीं दिल्ली सरकार ने अब 20 लाख नौकरी देने की बात की है। इसी विषय पर कि किस तरह का ये बजट देखा जा रहा है और कितना दावा जो किया गया है वो किस तरह से काम होता नजर आएगा, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी
जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर नेटवर्क 10 पे, स्वागत है बहुत। प्रेम कुमार जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, किस तरीके से ये जो दिल्ली सरकार द्वारा ये बजट पेश किया गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? सीमा जी, दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया है उम्मीदों वाला बजट है, उम्मीद जगाने वाला बजट है। और जो योजना सरकार ने रखी है कि 56 लाख लोग अगर आज रोजगार में हैं तो उनको 76 लाख कर दिया जाएगा, तो 20 लाख रोजगार क्रिएट करने की जो बात है ये उत्साह बढ़ाने वाली है, मगर प्रश्न भी खड़े करती है कि क्या इस सरकार में बीते वर्षों में इस हिसाब से क्या रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आप ही के आंकड़े बता रहे हैं कि 1,10,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ बीते समय में, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि ये 20 लाख का जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है। तो ये जो है, होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे करेंगे, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा क्या होने वाला है, क्या रोड मैप है, वो भी सामने आना चाहिए था। उसके बगैर इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। अगर इन आंकड़ों को देखेंगे तो पिछले के मुकाबले हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज होता है। चलिए ठीक है, चर्चा की आगे शुरुआत करेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया राहुल लाल जी से भी ले लेते हैं। राहुल लाल जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? देखिए, बजट को उन्होंने रोजगार वाला बजट कहा है और 20 लाख के महत्वाकांक्षी एक तरह से रोजगार देने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो अगर सरकार रोजगार देने की तरफ, जो वो कह रहे हैं कि देखिए हम एक तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ लोगों को अग्रसर करना चाहते हैं, तो ये तो आवश्यक है कि इस समय जो स्थितियां बनी हुई है, कोरोना काल से पहले ही देश में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर थी, 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही थी, वैसे में एक राज्य सरकार एक तरह से एक विजन लेके पहुंच रही है। लेकिन प्रेम जी ये चीज सही कह रहे हैं कि अगर उनके वो भी जो आंकड़े दे रहे हैं कि जितने लोगों को दिया गया, तो उनके भी आंकड़े पिछले 7 साल के 2 लाख से, तमाम आंकड़ों को मैंने जोड़ के देखा तो वो 2 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो पिछले 7 साल में वो खुद आम आदमी पार्टी सरकार दावा कर रही है कि हम लोगों ने 2 लाख लोगों के आसपास को रोजगार दिया है, तो फिर अगले 5 साल में 20 लाख वो देंगे, तो ये एक उम्मीद जगा रही है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि जैसे कि इन्होंने स्कूल में जो है कि स्कूलों को लेकर भी अगर हम लोग देखें, चूंकि रोजगार को अगर जोड़ते हैं तो दिल्ली सरकार की योजना ये है कि हम सरकारी स्कूलों की बेहतरी करके जोड़ते हैं। वहां पे भी इनका कहना है कि 15 लाख बच्चे थे, 15 लाख से बच्चों से हम बढ़ा के हमने 18 लाख कर दिया है। तो ये तय बात है कि जरूर जो है कि स्कूलों के मॉडल को अच्छा किया गया। लेकिन अभी भी एक सवाल यहाँ पे भी सीमा जी बना हुआ है कि इन्होंने पुराने जो एक तरह से जो 2013 से पहले जो यहाँ पे सरकार चल रही थी, शीला दीक्षित की सरकार, उन स्कूलों का इन्होंने आधुनिकीकरण अवश्य किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो भविष्य में अब इनकी जरूरत होगी, क्योंकि अब तक तो उनके आधुनिकीकरण से काम चला, उसको भी लेके बजट में अभी उस रूप में कोई रूपरेखा हमें सीधे सीधे नजर नहीं आती है। हाँ, ये खुशी वाली चीज है कि जब इन्होंने बजट उस जमाने में शुरू किया था, 2014-15 का जो बजट इनको उस समय मिला था, तो वो 30,000 करोड़ का बजट था। बिल्कुल, देखिए इससे पहले का, राहुल जी, इससे पहले जो बजट इन्होंने पेश किया था उसमें साफ तौर पर इनके बजट में ये वादे किए गए थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती भी नजर आई, तो अब जो वो रोजगार बजट लेके आ रहे हैं उस पर विश्वास क्यों नहीं जताया जा सकता? विश्वास जताया जा सकता है, नहीं जताने की बात नहीं है, बात यह है कि जो उनके 7 साल के आंकड़े हैं सीमा जी, वो उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वहां पे वो आंकड़े उनके 2 लाख से, अगर तमाम उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आंकड़ों को मैं जोड़ देता हूँ, तो वो 2 लाख के पास पे रुकते हैं। हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि 7 साल में आपने वो सफलता प्राप्त नहीं की, अगले 5 साल में आप वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआती तौर पर आपकी चुनौतियां ज्यादा होती हैं, लेकिन उसको लेके क्या प्रयास चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे रोजगार मेला वगैरह लगाया गया, उसको लेके भी जो दावे जिस रूप में किए गए थे, उस रूप में हम लोगों को सफलता दर उसमें दिखी नहीं। तो ये मैं भी ये मानता हूँ कि ठीक है, अतीत में नहीं मिला, भविष्य में भी नहीं मिलेगी, ये मान के नहीं चलना चाहिए, पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। लेकिन सरकार को तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि, और उनको ये जवाब भी देना चाहिए जनता को, चूंकि देखिए हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, काफी प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी बार बार एक तरह से सत्ता में वापसी कर रही है, जनता की उम्मीद काफी ज्यादा है। तो पिछले जनता बार बार ये उम्मीद करके वोट दे रही है कि वो जो ये विश्वास से जागृत किया जा रहा है,
उस विश्वास के तरफ दिल्ली अग्रसर काम करती नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए प्रेम कुमार जी, ये भी देखिए जिस प्रकार से बजट को लेकर के यहाँ गहमा गहमी चल रही है। शिक्षा पर काम करने की बात मनीष सिसोदिया द्वारा की गई, उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दिया गया है। तो वैसे और फ्री, जो फ्री चीज आम आदमी पार्टी लेकर के आती है, फिर चाहे बिजली फ्री हो, बस में महिलाओं के लिए सुविधाएं फ्री हो, तो उस पर भी ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि 75% ऐसी आबादी है जिसका बिजली बिल इस वक्त जीरो आ रहा है। इसकी वजह से भी क्या आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है? राजनीतिक रूप से सीमा जी, वोट बैंक बनाना, लाभार्थी वर्ग बनाना और अपना अनुयायी वर्ग बनाना, ये एक अलग टास्क होता है। आप राहत सामग्री बांट सकते हैं, जैसे राशन बांट सकते हैं, लेकिन राशन जब बांटते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो वर्ग राशन का लाभ ले रहा है उसको राहत तो मिल रही है, लेकिन वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो। सरकार का काम ये होता है कि राशन पाने वाली आबादी क्रमशः कम होती जाए, वो बढ़े नहीं। आज हमारे देश में कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, अगर 1,35,000 की 1,35,00,000 की आबादी है, उसमें 80 करोड़ अगर राशन लेने वाला वर्ग है, तो समझिए हम कितने पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो और इस तरह से बहुत कम ही लोग हैं, जैसा आपने प्रेम कुमार जी जैसा आपने बताया, बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से आकलन करते हैं इस चीज को। जी जी, अभी जैसे बात हो रही है 5 साल का कार्यक्रम बता रहे हैं रोजगार के लिए, तो 2 साल बीत चुका है, इस बात को मत भूलिए। और इन 2 सालों में के बाद 3 साल ही बचे हैं, तो अब क्या 3 साल में ये 20 लाख रोजगार दे देंगे, जब 2 साल में आपने कितना दिया? तो ये अविश्वसनीय आंकड़ा है, निश्चित रूप से हम इसको नहीं मानते कि 3 साल में सरकार कर पाएगी। ये सरकार ने पहले जो बातें कही क्या वो कर पाई, उस आलोक में इस लोक लुभावन बातों को देखा जाना चाहिए। लेकिन हम जो दिल्ली सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं प्रेम जी, उसे भी नकारा नहीं जा सकता, शिक्षा को लेकर के, या फिर बात अब स्टार्टअप कंपनी की कर ली जाए। केंद्र सरकार भी हालांकि ये कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार भी पूर्णतः इस कोशिश को लेकर आगे बढ़ती है कि स्टार्टअप पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। और जब हम किसी भी तरह से बढ़ते हैं आगे, रोजगार प्रदान भी स्टार्टअप से ही होता है, तो ये भी एक अच्छा कदम माना जा सकता है इस पूरे में। देखिए, जैसे शिक्षा को लेकर बात होती है, तो शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा नहीं है, यूनिवर्सिटी की शिक्षा है, रिसर्च के शोध संस्थान है। हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली को कहाँ खड़ा किया, यह भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बेसिक तो स्कूल से होते हुए जाते हैं ना, अगर स्कूल में अच्छी सुविधाएं मिले बच्चों को, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, वो चीजें सरकारी स्कूल में उपलब्ध करवाई जाए, जो लाखों रुपए जो पेरेंट्स पे करते हैं उसके बाद वो मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज ही है। हम इस बात को, जिन उपलब्धियों को सरकार बताती है वो सरकार बताए, मगर उन उपलब्धियों में को बताते समय जो बातें छिपाई जाती हैं वो नहीं छिपना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि आप जो बच्चे बच्चियां पास कर रही हैं, स्कूली शिक्षा पास कर रहे हैं, ये लोग शिक्षा पास करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार में कहाँ समायोजित हो रहे हैं? इनकी, इनके पास जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, माना कि दिल्ली राजधानी है और किसी छोटे राज्य के मुकाबले ज्यादा संसाधनों वाला राज्य है, तो लेकिन उस संसाधन का लाभ क्या इन बच्चों को मिल रहा है? क्या ये एम्प्लॉयमेंट में सबसे आगे हैं? क्या इनको क्वालिटी वाली वाला एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसको भी बताया जाना चाहिए कि हमने शिक्षा का स्तर इतना कर दिया, इसलिए एम्प्लॉयमेंट पाने में इतनी मदद मिली और इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। ये बातें छिपाई जाती है, ये बताई नहीं जाती है कि आपने जो किया उसका फायदा कहाँ मिला, कैसे मिला। बिल्कुल, और इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से बजट यहाँ पर पेश हुआ है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है मनीष सिसोदिया द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया, अब हर गलियों में और हर जगह सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो अपराध है उसमें कमी आई है, उसके ग्राफ में कमी आई है। क्या लगता है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कितना ध्यान देने की जरूरत है, या सिर्फ सीसीटीवी लगा देना ही बस हो जाता है यहाँ पे? देखिए, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, देखिए बड़ा गंभीर सवाल पूछा और मेरे मन से जुड़ा हुआ विषय भी है, लेकिन उन सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। कई सारे जगह सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं, दुर्घटना घटने के बाद जब लोग जाते हैं कि उन कैमरों को के तरफ उसका प्रयोग किया जाए, कुछ उसका यूज किया जाए, पता चलता है वो काम नहीं कर रहे हैं।
तो आप अगर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, देखिए वहां तक आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, तो मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहूंगा कि आप उसके पीछे थोड़ी सी और मेहनत आप कीजिए, उसके मॉनिटरिंग का भी थोड़ा सा इंतजाम रखिए, कम से कम कोई आपकी टीम ऐसी हो जो लगातार नजर रखे कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, काम कर रहा है उसमें रिकॉर्डिंग की क्या व्यवस्था है, कब तक के लिए हो पा रही है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं कि कैमरे जरूर हम लोगों को दिखते हैं, वो लगे भी हैं वो तो, लेकिन आजकल ना एक नया सा प्रचलन चल चुका है कि जहां तक आपको चीजें दिखे वहां तक काम करें, जब चीजें जहां पे दिखने योग्य स्थिति में ना हो उसको छोड़ दें। तो परसेप्शन बिल्डिंग के ऊपर राजनीतिक दलों का इतना ज्यादा ध्यान चला गया है कि उस काम का जो अंतिम उद्देश्य है वो उद्देश्य पीछे छूट जाता है, और वो मुझे दिल्ली के गलियों में नजर आता है। आप कहीं पर भी देखिए लोगों के पॉकेट मारी हो जा रहा है या तमाम दूसरी तरह की चीजें होते हैं, जब वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ जाते हैं तो उनको निराशा हाथ लग जाती है कई जगहों पे, उनको लगता है कि शायद हम अपराधी को उससे पकड़ लेंगे, लेकिन वो काम ही नहीं कर। बिल्कुल, सिर्फ कैमरे लगा देना ही सब कुछ नहीं होता, उसका रखरखाव भी जरूरी होता है कुल मिला के। अब ऐसे में देखा जाए राहुल जी कि जिस प्रकार से कैमरे लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब इस बजट पे हम फिर से जाते हैं, जो ये बजट पूरा पेश किया गया है, क्या लगता है ये एमसीडी में चुनाव जीतने पर भी फोकस होगा इस बजट से, कुछ फर्क पड़ता नजर आएगा? नहीं देखिए, इस बजट में है एक तरह से, इसको हम लोग जो चुनाव से पहले जो बजट, एक जो पॉपुलर बजट जिसको कहते हैं वो बजट है, इसमें कहीं कोई शक वाली चीज नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपने स्वास्थ्य क्षेत्रों को लेकर विशेषकर मोहल्ला क्लिनिक को अब स्कूल के स्तर तक पहुंचाने की बात की गई है, तो स्पष्ट है कि कहीं कहीं जो एमसीडी के चुनाव है उसको सीधे सीधे यहाँ पे केंद्रित किया गया, दिल्ली के लोगों को यह संदेश दिया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए कुछ चीजें एक जो सामान्य जो निचले तबके के लोग हैं उनको पसंद आ रहा है, चाहे वो बसों में महिलाओं की फ्री सवारी का मामला हो, पानी बिजली का मामला हो, तो वो उन्हीं कारण से पॉलिटिकली एक तरह से ये पार्टी इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई, तो वो उन सब चीजों को काफी ज्यादा रेखांकित किया गया है, जिसको हम लोग पॉपुलर बजट बोलते हैं, कि सामान्य लोगों को संदेश जाए कि अगर आप एमसीडी भी हमें लाते हैं तो हम उसी रूप में आपके लिए वहां पे भी सामने में मौजूद रहेंगे। देखिए दिल्ली सरकार ने कई दूसरे सरकारों की तुलना में कुछ मामलों में अच्छे काम किए हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अभी भी वो जिस जगह पे उनके पास संसाधनों की प्रचुरता है और उस संसाधनों का जिस प्रकार से प्रयोग करके उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, वो स्कोप अभी भी दिल्ली सरकार के पास खुले हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बात सावधानी को चल रही है, बात चल रही है कि आपराधिक मामलों में कमी लाई जा रही है सीसीटीवी के द्वारा, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है अभी भी दिल्ली में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की जरूरत होती है। प्रेम जी आपको क्या लगता है कौन सी वो जगह मानी जा सकती है, या दिल्ली में और कितने विकास की जरूरत है जिससे आम आदमी पार्टी नकारती नजर आ रही है? देखिए दिल्ली में पीने का पानी जो है आज भी बड़ी समस्या बनी हुई कि आसानी से लोगों को मिले, साफ पानी मिले, तो इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं काम करने की, पूरा यमुना जो है उसकी सफाई का काम बचा हुआ है। इसके अलावा जो उद्योग धंधे हैं जिसको कि कोर्ट के आदेश के बाद कहा गया था कि दिल्ली से बाहर ले जाया जाए, पोल्यूशन को के अनुकूल बनाया जाए, उस क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। और दिल्ली में आप खेल को बढ़ावा दे सकते हैं, दिल्ली में आप ग्रीनरी जो है हॉर्टिकल्चर है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, यहाँ तालाब खत्म हो गए हैं, तालाब जिसके लिए पूरे दिल्ली कभी जाना जाता था, बहुत पुरानी बात हो गई ऐतिहासिक काल में, आज दिल्ली में कहीं तालाब नजर नहीं आते हैं, उन तालाब को रिवाइव करना, खोजना, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट होगा, मछली पालन जैसी चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बहुत पुराना है, नई बसें तो खरीदी नहीं गई हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, नई बसें आई कहाँ है, जो शीला के जमाने में थी वही बसें हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जर्जर है, इसको सुधारा जा सकता है, तो इन सब क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। आप जैसे हर सरकार आज कह रही कि हमारे प्रदेश में क्राइम बहुत ठीक हो गया है, कोरोना काल में पूरे देश में क्राइम घटा है, एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में क्राइम घटा है, 27 राज्यों में क्राइम घटा है, हर प्रदेश की सरकार बोले कि हमारा श्रेय है, आपका कोई श्रेय नहीं है क्राइम घटने में, एक कोरोना खत्म हुआ फिर क्राइम बढ़ना शुरू हो चुका है, तो ये इस बात को, इस रियलिटी को बताना पड़ेगा, लेकिन सब श्रेय लेने आगे आ जाते हैं। अब ये जो बजट पेश हुआ तो बजट पे एलोकेशन बढ़ा, निश्चित रूप से सरकार ने ये दावा किया, बताया, अब हम भी समझते हैं कि पहले के मुकाबले ये इस बजट का आकार बड़ा हुआ है,
तो आकार बढ़ा हुआ है तो इसका जनता को फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में हम आम जनता को कैसे जोड़ें, उसको कैसे लाभ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कैसे करें, ये महत्वपूर्ण बात है। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात होती है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन हमने देखा ना दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों को, ना दिल्ली सरकार मानती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा कोरोना में, और ना केंद्र सरकार मानती है। तो ये झूठ बोल करके क्या स्वास्थ्य सुविधाओं का ढोल पीटा जाएगा क्या? हम आप नहीं जानते कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चे और बूढ़े जवान सब मरे थे, इन अस्पतालों के डॉक्टर रो रहे थे, रो रो करके फोन कर रहे थे। उन बातों को भूल जाए और इन सरकार के आंकड़ों को सही माने कि कोई मौत नहीं हुई है, ये बुनियादी बात। बिल्कुल, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, दिल्ली हो या फिर अन्य राज्य हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती ही हैं जो कि सामने आकर के सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के खड़ी हो जाती है राहुल जी। लेकिन उस चुनौती को अनदेखा करते हुए सरकार एक दूसरा पहलू लाकर जनता के लिए खड़ी कर देती है और एक सौगात के रूप में कुछ भी उनके सामने दे देती है ताकि जनता उस चीज़ को भूल जाए। इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता कि हर सरकार में ये चीज़ होती है, लेकिन खासतौर पर दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी होती है। और दिल्ली एक ऐसा राज्य माना जा सकता है, ऐसा राज्य जहां हर राज्य से लोग सिर्फ रोजगार की तलाश में आते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में आते हैं, उनके लिए भी सुविधाओं का कुछ ना कुछ अंबार लाने की जरूरत है सरकार को। बिल्कुल लाने की जरूरत है। चुनाव में तमाम, सीमा जी आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को उठा के, उसके लिए काफी लंबे चौड़े वादे किए गए थे, क्योंकि जो पूर्वांचल के लोग हैं वो उनके वोट बैंक भी है, स्पष्ट है, इतना परसेंट बहुमत हुआ है तो सब वर्गों का वोट मिला है, उस वर्ग का भी वोट मिला है, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है, नंबर वन। नंबर टू की देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मनीष सिसोदिया जी काफी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आप कोई भी दिल्ली के क्षेत्र में घूमते हैं, जो भी फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अब उनकी भी स्थिति खराब हो रही है, और नए फ्लाईओवर्स वगैरह का तो निर्माण की दर ही काफी घट चुकी है, यानी कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी भी वो वही है जो शीला दीक्षित के समय में जो उन्होंने बनाया, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में जो दिल्ली विकसित हुई, उसके बाद फिर से दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में फिर उसको उस प्रकार से निवेश नहीं मिला। तो जो बजट, एक तरह से इनके बजटीय आवंटन में जो वृद्धि हुआ है, उसके लाभ एक तरह से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलना चाहिए। देखिए, आपने सोशल सेक्टर के मामले पे आप खर्च कर रहे हैं, लोगों को फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए आप दीजिए, वो भी लोगों की आवश्यकता है, लोग आप चाह रहे हैं तो आप दीजिए, एक पॉपुलर राजनीति आपको भी करनी है, राजनीति की कुछ यथार्थ सच्चाई भी होती है, लेकिन दूसरे सेक्टर आपके लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य सेक्टर के ऊपर ये सच बात है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, वो मोहल्ला क्लिनिक, हम लोग अगर देखते थे कोरोना काल में, तो वो तो पूरा मोहल्ला क्लिनिक का वो पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल नजर होता हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट देखे, दूसरे राज्य कह सकते थे कि हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, एक ऑक्सीजन प्लांट नॉर्मल जो है कि 20-25 बेडों को सप्लाई करने वाले ऑक्सीजन प्लांट की लागत 8-10 लाख रुपया आती है, आपके पास वो ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं थे। अस्पताल बनाए गए, दिखाया जाता है स्कूल की व्यवस्था ठीक की गई है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ ये व्यवस्थाएं ठीक नजर नहीं आती है। तो ऐसे में सरकार को क्या लगता है किस तरीके से काम करने की और जरूरत है? फीडबैक भी एक ऑप्शन होता है, जब जनता से फीडबैक लेकर के उसके लिए कार्य किया जाता है, जो कि चुनावों के समय पर किया जाता है कि अपने मैनिफेस्टो में क्या डाले, क्या ये चीजें पहले नहीं होनी चाहिए कि जनता को किस चीज की जरूरत है उसका एक बार सर्वे कर लिया जाए? मैनिफेस्टो में क्या डाले सीमा जी, उसके लिए आप फीडबैक ले लेती है पार्टियां, आप कौन सा कैंडिडेट उतारे, कौन कैंडिडेट आपका जीतने वाला है, उसके लिए आप अगर फीडबैक ले सकते हैं, तो आपके यहाँ पे कौन कौन से काम काज होने चाहिए वो फीडबैक आप ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेते आप, क्योंकि आपको केवल चुनाव जीतने से मतलब होता है, यही सबसे कठोर और कड़वी सच्चाई वाली स्थितियां बनी हुई है सीमा जी। और यही बहुत दुखद बात है कि चुनावों के लिए सब कुछ करना और जनता के लिए कुछ ना करना। लेकिन फिर भी जिस तरीके से देखिए, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर प्रेम कुमार जी सब पसंद करते हैं, यहाँ की जो जनता है प्रेम जी, वो आम आदमी पार्टी को काफ़ी पसंद करती नजर आती है, क्योंकि मुख्य तौर पर जो जनता की ज़रूरत इस वक्त है, जैसा कि इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि दिल्ली में पूर्वांचल से आए हुए, बिहार यूपी से आए हुए, झारखंड से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा है, जो कि किराए के मकान में रहते हैं, उनके लिए बिजली का बिल, पानी का बिल देना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता था। इस पर जो काम करती आम आदमी पार्टी नजर आई है, उसके बाद जनता को राहत मिलती नजर आई। देखिए सीमा जी, वोट तो पाया जा सकता है इन तरीकों से, क्योंकि जनता पीड़ित है, और पीड़ित जनता को आप राहत देते हैं, चाहे बिजली सस्ती देकर दें या यात्रा फ्री करके करें महिलाओं को, तो उनको राहत मिलती है।
इस राहत से वो वोट तो दे देते हैं आपको, लेकिन ये वोट न तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए प्रेरित करता है और न सरकार जवाबदेह होती है, बल्कि एक नई टेंडेंसी डेवलप हुई है सर कि जनता का पैसा ऐसे फ्रीबीज में बांटिए। मैं फ्रीबीज का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन फ्रीबीज को आदत में शुमार कर लिया जाए और बुनियादी डेवलपमेंट है जी। और ये सरकार बदलते ही जनता को इससे नुकसान पहुंच सकता है, जनता के लिए चीज भारी हो जाएगी क्योंकि आदत से निकल जाती है ये सारी चीजें। चलिए अंत में ये जो बजट पेश हुआ है इस पर आप लोगों की अंतिम प्रक्रिया क्या है? राहुल जी पहले आपसे। मैं देखिए बजट में चूंकि वो उन्होंने उम्मीद जगाया है कई सारे चीजों की है, मैं तो कहूंगा कि वो सफल हो, लेकिन क्योंकि मैं वही बात है कि जब विश्लेषण करते हैं तो फिर उसमें उस रूप में चीजें नजर नहीं आती है। वो एक दूरदृष्टि जो होनी चाहिए या फिर आप उसको उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये बजट तो एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र जैसा लग रहा है और मैं तो यही कहूंगा कि ये एक तरह से MCD के चुनाव को देखते हुए ये बजट रखा गया है। ये बजट भी उम्मीद जगाने वाली है, लेकिन पिछले बजट का जो है उसकी समीक्षा सरकार को देनी चाहिए थी कि हमने पिछले बार ये वादा किया और ये पूरा हुआ, तो ये होता नहीं है। इस अभी भी जो बजट ये तो बजट उम्मीद जताने वाली बजट है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए। और देखिए जिस प्रकार से दिल्ली सरकार द्वारा ये अब जो रोजगार का बजट पेश किया गया है, बहुत लोगों का कहना है उम्मीद जगाने वाला बजट है। बहुत लोगों का ये भी कहना है जो प्रतिक्रिया सामने आई इस पूरी चर्चा में कि पहले समीक्षा दे देनी चाहिए थी कि पिछले जो बजट पेश किया गया था उसमें क्या कुछ कार्य यहाँ पर सामने आए। देखने वाली बात होगी जनता को इस बजट से कितना फायदा मिलता है या फिर ये सिर्फ चुनावों के लिए बजट यहाँ पर पेश किया गया है। फिलहाल सत्ता के टेम्परेचर में मेरे साथ बस इतना ही, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।